हेलो भाईज और उनकी बहन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द शो गप गप शप शप। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सबकी आपा जो पाती हैं से आपा से आपा। बेहुदा इंसान, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चैनल बंद करवा दूंगी मैं तुम्हारा। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात है। आप तो स्यापा के साथ साथ जंगली भी हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी तलाकों की सेंचुरी पूरी हुई है या नहीं? अरे बस होने को ही है। अरे ओ खुराफाती इंसान, मैं शादियां करवाती हूँ, तलाके नहीं। अरे हम गाली दे सकते हैं? अच्छा आप ये बताइए कि आप मोबाइल में बार बार क्या देखती हैं, ऐसा क्या है उसके अंदर? क्योंकि मेरे अंदर है सुलेमानी की। अरे वो एक सरकारी मुलाजिम है ना, उसके लिए एक 20 साल लड़की की तलाश है। अच्छा ये तो बड़ा नेक काम है। लड़के की उम्र क्या है? लड़का यही कोई होगा 55-56 साल का। आपके ख्याल में 55 साल का लड़का होता है? अरे हाँ बिल्कुल होता है, आप तुम खुद को ही देख लो। तुम मैं 55 का तो नहीं हूँ ना भाई? हैं? मुझे तो 155 के लग रहे हो। अच्छा छोड़िए आप इन बातों को, ये बताइए कि आपकी कोई शादी ऐसी जो आपने कराई हो वो कम से कम 5 साल तक तो चली हो? अरे हाँ है ना, वो अपना मुन्ना है ना, उसकी शादी 5 साल तक चली भी और 7 बच्चे भी हैं उसके। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, 7 बच्चे, मतलब इतना प्यार, फिर शादी क्यों टूटी? टूटी थोड़ी, वो तो वो लड़की मर गई थी बेचारी। मैंने एक चीज नोट किया, आपके सीधे नहीं उल्टे हाथ के नाखून बहुत बड़े हैं, क्या आप पार्ट टाइम चुड़ैल भी है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा है कि जब कोई मेरे पैसे नहीं देता ना टाइम पे, इन्हीं से मुंह नोच लेती हूँ मैं उसका। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तौबा तौबा। अच्छा ये बताइए, आप पे एक इल्ज़ाम ये भी है कि आप कमेटी डालती हैं और उसके बाद तोड़ देती हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखो बेटा बात तो सीधी सी है, अब जब वक्त पे कमेटी मिलेगी नहीं तो क्या हम उसका अचार डालें? बताओ तुम ही बताओ। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ हम क्या बताएं, सारी दुनिया ही आपकी दुश्मन है, आप अकेली अच्छी हैं। अच्छा खैर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ शादी करोगे? एक लड़की है 48 साल की, मेरी नज़र में लाइफ सेट हो जाएगी भाई तुम्हारी। नहीं म्यूजिक एक तो आपके इस आप पे मेरे साथ भी शुरू हो गए। 48 साल की लड़की से शादी, मैंने शादी करनी है या कुर्बानी देनी है? मैं ही आज की गप गप शप शप ख़त्म कर देता हूँ। जी तो व्यूवर्स, आज की गप गप शप शप इतनी ही चल सकती थी क्योंकि ये तो मेरे पीछे ही हाथ धो के पड़ गई है। तो अगले प्रोग्राम के लिए, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, किसी और मेहमान के साथ नई तरह की गप गप शप शप करेंगे। मैं तो भागूं। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या है? अरे हाँ है ना, वो अपना मुन्ना है ना, दोबारा मुन्ना में वो हो गया था।